आ गए हैं। कुछ लोग गाली बक रहे हैं, मैंने उन्हें बता दिया है। अरे भाई कौन सी जगह है भाई, नाम भूल जा रहे हैं। खजियार आ गए हैं और मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ बर्फ है, बीच में हम लोग हैं। अगर जब आप आए डलहौजी तो थोड़ा आगे बढ़ ऐसे मौसम में आए कि खजियार खुला रहे, क्योंकि काफी बर्फ जब गिर जाती है तो यहाँ का रास्ता क्लोज हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी के बाहर, गाड़ी के नीचे, गाड़ी के ऊपर, हर तरफ बर्फ। ये देखिए हमारे ओम प्रकाश जी बर्फ भी लहा लिया है। इसको क्या करेंगे आप, खाएंगे कि फेंकेंगे? हेलो फ्रेंड्स, और डलहौजी के बाद हम लोग आ गए हैं खजियार। रास्ते में काफ़ी स्नो थी और काफ़ी बढ़िया रूट रहा, यहाँ पर भी रहती है। देखिए सब गल गई है, धूप आ गई, सब बर्फ पिघल चुकी है, मेल्ट हो गई।
लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया जगह है, देखिए बिल्कुल जैसे औली का ग्राउंड था, मैं एक बार वहाँ गया था। लेकिन ये छोटा है थोड़ा सा, मतलब ग्राउंड जैसे गुलमर्ग में भी कह लीजिए इस टाइप का ग्राउंड है, थोड़ा बड़ा सा औली का भी है पर इससे बहुत बड़ा है वो, और थोड़ा सा उसमें जो एक फेस है वो पूरा हिल का है, पूरा माउंटेन है उसमें तो, लेकिन है बढ़िया। थोड़ा धूप में सिकाई भी हो रही है यहाँ पे, रास्ते में बहुत ठंड लगी। ये हनी सिंह जी हैं और इत्तेफाक ऐसा है हनी सिंह जी ने अपना चैनल स्टार्ट किया है, मैं आपको लिंक दूंगा। वो इसी एरिया में है, ड्राइविंग करते हैं तो हर सीज़न में आपको हर मौके की वीडियो बना के देंगे। क्यों हनी जी बताइए तो, क्या क्या आपके चैनल में रहेगा? मैंने भी अपना, मेरा नाम है हनी कश्यप, मैंने अपना नया पेज बनाया, सर ने बनाया कल, तो मैं डेली अपडेट करूँगा उसमें वीडियोज़, तो ज़रूर देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस में भी पूरा हिमाचल देखें, और हो सके अगर घूमना हो तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ आएं और घूमें, मैं आपको पूरा अच्छे से घुमाऊंगा। इतना है मेरे अंदर दम कि मैं आपको पूरा अच्छे से घुमा सकूं। ये दोस्तों काफ़ी समय से हनी जी यहाँ पर ड्राइविंग में है, खुद भी अपना ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, तो मैं अपने वीडियो में इनका नंबर दूंगा और इनके चैनल का लिंक दूंगा, आप इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद आप इनसे कांटेक्ट करके जब भी इस एरिया में आप आ रहे हो तो। यानी जी आप कहाँ कहाँ लोगों को इस एरिया में घुमाएंगे ये बता दीजिए। सर हमारा ऑल हिमाचल रहता है, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, अमृतसर, काजा, किन्नौर एंड लेह लद्दाख, ये सब पॉइंट हम खुद ही ले जाते हैं और खुद ही साइट सीन खुद ही करवाते हैं। मतलब हम लोग जब से आए हैं कोई भी जगह ऐसी वेस्ट इन्होंने नहीं दिखाई कि बाद में हम लोग को लगे कि यहाँ क्यों आए, तो बहुत ऐसा रहा, मतलब जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और सारी जगह बहुत जैसे कि अप टू द मार्क है। तो वैसे ही डेस्टिनेशन आप जाना चाहते हो तो हनी जी का नंबर मैं दूंगा, उनसे बात करके आइएगा, उनसे पैकेज डिसाइड करके आइएगा, क्योंकि हम लोगों का तो भाई पैसा वसूल हो गया। अभी दो ही दिन हुए लेकिन लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छे से घूम टहल लिए हैं और बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन पे ले जा रहे हैं, व्यू पॉइंट पे ले जा रहे हैं। ये भी इन्होंने सजेस्ट किया था तो हम लोग यहाँ तक आ गए, वरना हम लोग डलहौजी सोचे थे, पर डलहौजी तो समझिए एक सिर्फ स्टॉप पॉइंट है, आपको वहाँ होटल वगैरह मिल जाएंगे, पर यहाँ पर इतना नहीं है, जाहिर है काफ़ी कॉस्टली होगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये जितना भी ग्रीन एरिया, ये जनवरी और दिसंबर टाइम में मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इसे, जब यहाँ पूरा स्नो गिरता है, ये पूरा एरिया देख रहे हैं जैसे आप, पूरा एरिया जब स्नो होता है यहाँ पे, तो ये मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है इसे। तो इस टाइम में अभी सिर्फ 2 या 3 दिन हुए इसे ओपन हुए, नहीं तो वैसे तो क्लोज्ड रहता है, ये 3 महीने तो क्लोज रहता है। अब ये ओपन हुआ है, अब इसमें सीज़न स्टार्ट होने वाला है अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, अगस्त, ये सारा टाइम अब सीज़न चलेगा और ये पूरा पैक रहेगा, यहाँ क्राउड बढ़ेगा अब धीरे धीरे। ठीक है, आपको आइडिया होगा, अगर आप शायद एक हफ्ते पहले हम लोग अगर डलहौजी आते तो शायद ये क्लोज, अरे सॉरी यहाँ
खजियार आते थे क्लोज रहता, क्लोज रहता, लेकिन यहाँ आए और हम लोग को पहले से प्लान भी, क्योंकि क्लोज ही चल रहा था, लेकिन उन्होंने बताया वहाँ चलना है, ओपन हो गया है और हम लोग आए, शायद ये तीसरा दिन है यहाँ पे और ये ओपन हो गया। काफ़ी अच्छा एरिया है, रास्ते के सीन जो मैंने वीडियो में लगाया आप देखिएगा, बहुत अच्छे व्यू हैं और बीच बीच में ये जहाँ पे अच्छे व्यू पॉइंट आते हैं गाड़ी रोक देते हैं, आप वीडियोग्राफी वगैरह फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं बढ़िया से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हम लोग को तो नहीं लगेगी, उम्मीद है आपको भी नहीं लगेगी। मैं डिटेल पूरी दूंगा और आप इनसे आने से पहले अगर कहीं ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो एक बार हनी कश्यप जी से ज़रूर डिसाइड करिएगा, तो हो सकता है जो आपको लाखों पैकेज मिल रहा वो आपको 50-60,000 में ये करवाते, क्यों नहीं जी? यस सर, जितना हो सकेगा हम आपको कम से कम में और बढ़िया से बढ़िया आपको पैकेज दिलवाएंगे, और जो पॉइंट मतलब कि ट्रैवल एजेंट नहीं बता पाते वो भी हम पॉइंट आपको बीच में इंक्लूड देंगे। ठीक है, हमारे जो जिनके थ्रू हम लोग आए थे उन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ दी, लेकिन हनी भाई जो है अपना किसी तरीके से कर करके हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं जो जो अच्छे पॉइंट हैं यहाँ पे दिखा दें, जब इंक्लूड नहीं था तब दिखा रहे हैं, फिर जब आप बात करके आएंगे तो फिर आपको कहाँ कहाँ ले जाएंगे वो तो फिर आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ के नज़ारे को एंजॉय करिए, काफ़ी अच्छा है, ऊपर इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद इतना बड़ा ग्राउंड मिल रहा है, या तो जैसे इतना बड़ा ग्राउंड हम लोगों को धर्मशाला में स्टेडियम मिला था, बाकी तो उसके बाद इतना बड़ा ग्राउंड कहीं नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से स्टेडियम से भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और काफ़ी टूरिस्ट देखे यहाँ पे पूरे में एकदम घूम टहल रहे हैं। ये कुछ हमारे साथी भी हैं जो फ़ोटो खींचते खींचते थक गए हैं, अब ये बैठना चाह रहे हैं लेकिन ज़मीन गीली है, क्या करें, बैठ भी नहीं सकते, बस इनको ये चलते रहे। वैसे देखिए सामने सीट खाली है, चलें। यहाँ बर्फ पड़ती है ग्राउंड पे। दोस्तों हम पहुंच गए डलहौजी, और ये होटल मिला हम लोगों को ऑनलाइन बुकिंग में, काफ़ी ऊपर ही मिलता है। चलो